सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डोम ऑफ यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये हमारी छोटी और ये हमारी बेला। बेला 10-12 तारीख को 4 मंथ की हो जाएगी, बट ये आपको ग्रोथ से ये 4 मंथ की दिख नहीं रही होगी आपको, क्योंकि ग्रोथ कम हुई है। उसका कारण है इसके पेट के कीड़े। तो पेट के कीड़ों के लिए मैं लेके आया हूँ उसके लिए इजी पेट। मैंने डिवॉर्मिंग पहले भी कर दी थी 2 बारी 3 बारी, बट वो लिक्विड से की थी। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किसी लिक्विड फॉर्म से की थी। तो फ्रेंड्स, ये है वो लिक्विड जो डिवॉर्मिंग आता है बच्चों के लिए। ये मैन काइंड का आता है, आपको मैं दिखा दूँ अच्छे से, जूम कर लो। मैन काइंड का आता है, बेंडी स्टार पप के नाम से डिवॉर्मिंग आती है। तो ये बच्चों के लिए होती है अभी, बट मुझे थोड़ी दिन से टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं इसकी डिवॉर्मिंग टाइमली नहीं कर पाया। तो आज मैं इसकी डिवॉर्मिंग कर रहा हूँ। ये देखो कितनी वीक हो रखी है, क्योंकि ये पेट के कीड़े मारना ज़रूरी है, क्योंकि इसलिए ना ये मोटी नहीं हो रही है। तो ये इसकी ग्रोथ इसलिए ही कम हो रही है, क्योंकि इसके पेट में कीड़े देखो कितनी दुबली सी हो रही है। तो आज मैं इसकी डिवॉर्मिंग करना पड़ा इजी पैट से। इजी पैट कैसे यूज़ करते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि इजी पैट है ना, अगर अपन डिवॉर्मिंग ज़्यादा डोज में कर देना तो दिक्कत हो सकती है। बच्चे को डायरिया वगैरह, लूज मोशन वगैरह हो सकते हैं, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट टाइम तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप पपी की डिवॉर्मिंग करो, तो ये टैबलेट है ना, ये 3 मंथ के बाद दी जाती है। 3 मंथ से पहले लिक्विड फॉर्म में ही ऐसी लिक्विड फॉर्म से डिवॉर्मिंग करते हैं, और 3 मंथ बाद आप टैबलेट पे आ सकते हो। टैबलेट बेटर है। तो ये टैबलेट आपको सुबह देनी है, सुबह मॉर्निंग टाइम, जब पपी खाली पेट हो बिल्कुल। तो जब आपका डॉग खाली पेट हो, बेटी हमारी छोटी, तो अभी सुबह का टाइम है और मैं इसको देने वाला हूँ ये डिवॉर्मिंग। तो आप इसको सुबह के टाइम दे सकते हो, सुबह अब जैसे 7 बज रहे हैं, तो मैं अभी इसको बिना कुछ खाना डाले इसको दूंगा, और 3-4 घंटे तक इसको कुछ नहीं देना खाने के लिए, तभी वो होगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, सुबह के टाइम में आपको डिवॉर्मिंग करनी है। दूसरी चीज़ कि ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो जैसे आपको पपी का वेट 10 kg हो, तो उस पर एक टैबलेट दी जाती है, 10 kg पे एक टैबलेट होती है। बट इसका अभी बॉडी वेट 10 kg नहीं है, इसका 7-8 किलो के समथिंग है। तो मैं इसको एक टैबलेट में थोड़ी सी कम दूंगा, क्योंकि ज़्यादा डोज होने पे इसके डायरिया हो सकता है। तो और उससे पहले आप इसको थोड़ा सा मीठा यानी थोड़ा सा गुड़ आप खिला सकते हो, जिससे कि ये खाएगी तो वो पेट के कीड़े उसको खाने के लिए पास आएंगे। और हैंड टू हैंड आप ये डिवॉर्मिंग कर दो, ये डिवॉर्मिंग की टैबलेट दे दो, तो उससे क्या वो कीड़े हैं ना, वो पेट के अंदर वो मीठे को देख के खाने के लिए आएंगे। और जैसे ही वो आएंगे, आपको ऊपर से ये कर देनी है हैंड टू हैंड, तो वो इससे बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएंगे। तो ये मैं आपको टैबलेट निकाल के दिखाता हूँ क्या है। तो मैं आपको टैबलेट निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये 2 टैबलेट्स आती है इसमें, और ये कुछ स्टिकर्स हैं जो आप अपनी वैक्सीन डायरी में आप ऐड कर सकते हो वैक्सीन कार्ड में। तो अभी ये देना कैसे है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत ही इजीली ट्रिक है मेरे पास, जो आप में से काफ़ी भाइयों को पता नहीं होगी। तो आप भी अपने डॉग को ऐसे डिवॉर्मिंग कर सकते हो। ये देखिए, ये रखिए इसकी डिवॉर्मिंग। तो ये भी इनको खाने के लिए है बेटा, तेरे खाने की चीज़ है, बट तेरे स्वाद की चीज़ नहीं है, ठीक है।